नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। कैप्टनसी टास्क यानी कि बिग बॉस मराठी के घर में आए दिन नया नया ड्रामा होते रहता है। कैप्टनसी टास्क में जहां रेशम धोखे से कैप्टन बन गई थी, यानी कि उसको धक्का देके, उसके सूट को गिरा के निकालने का ट्राई करके, तो काफी लोग काफी ज्यादा एंग्री थे इस बात से। लेकिन रेशम स्मिता से खुद ही ये बात डिस्कस कर रही है कि मैंने ये सारे काम किए रेशम को हराने के लिए, और स्मिता काफी ज्यादा खुश हो रही कि अच्छा वाह क्या बात है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि रेशम ने कुछ भी नहीं किया, सई ने सब कुछ किया है, तो वो प्लीज आज का एपिसोड अच्छे से देखिएगा। एंड सेकंड थिंग, जब सई काफी ज्यादा रो रही है, काफी ज्यादा अपसेट हो रही है, वहीं पे रेशम, आस्ताद और स्मिता जो कि दूसरे रूम से मिरर के थ्रू सब कुछ देखते रहते हैं, यानी कि इधर के लोग उधर की बातें, उधर के लोग इधर की बातें करते रहते हैं, तो सई काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसने गिव अप कर दिया था। इस बात से रेशम, आस्ताद और स्मिता की डिस्कशन कम ही नहीं हो रही है। तो ये लोग बार बार यही बातें कर रहे हैं कि ये क्यों इतना रो रही है, ये क्यों इतना कर रही है। और स्मिता बोल रही है हाँ वैसे क्यों जितना ज्यादा हो रहा है, और आस्ताद बोलता है कि नहीं वो गिव अप कर दिया ना, आई मीन टास्क हारना इज अ डिफरेंट थिंग एंड गिव अप करना इज डिफरेंट थिंग। अगर वो खेल के ऐसे हारती तो समझ में आता है, तब शायद उसे बुरा नहीं लगता होगा, बट आसाद बोलता है कि वो अपसेट है सही क्योंकि उसने गिव अप किया टास्क। तो ये सारी डिस्कशन जो घर में चल रही है और रेशम का ये खुद से एक्सेप्ट करना कि उसने ये सारे काम किए हैं, आप हमें कमेंट के बताइए कि क्या वो सही कर रही थी या फिर वो गलत कर रही थी, और सही का रोना क्या जायज है, यानी कि वो जेन्युइन दिख रहा है या फिर ऐसे ही जो हर बार की तरह की सब यही बोलेंगे कि हाँ वो रो रही है, वो टास्क के बाद रोती है। तो आपका व्यू क्या है, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा हमें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाय बाय।